ये तो हमने आपको बताया और दिखाया ही कि कैसे मॉमी जैन अंकिता लोखंडे पर बरसती हुई नजर आएंगी, कैसे विकी जैन की मॉम विकी से ये कह देंगी कि तुमने छूट दी है अंकिता को, कैसे विकी की मॉम ये कह देंगी कि बेशक गलती अंकिता की थी। जी हाँ, इसी तरीके के तानों के साथ अंकिता की सासू माँ उन पर नेशनल टीवी पर बरसती हुई भड़कती हुई दिखाई और सुनाई देंगी। वेल, इसके बाद अब आप लोगों को बता दें कि करीना कपूर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पवित्र रिश्ता के दौरान का है, जहां करीना ने इस सीरियल की जमकर तारीफें की थी। करीना ने बताया था कि खुद उनकी मॉम ने उन्हें कन्विंस किया था कि करीना इस सीरियल में आकर अपनी फिल्म को प्रमोट करें। सीरियल पे शामिल हो रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे प्रमोशंस के लिए हम लोग रियलिटी शोज पे जाते हैं, बट फॉर मी इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ऑन अ टीवी शो। एंड रीज़न ये है कि पहले जब मुझे बताया गया तो पहले तो मैंने मना किया। आई वॉज लाइक आई डोंट वॉन्ट गो क्योंकि आई नेवर गॉन ऑन अ टीवी शो और टीवी सीरियल पे। आई डोंट नो कि कैसा लगेगा बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द स्टोरी ऑल्सो। एक्चुअली मेरे मॉम ने मुझे कन्विंस किया कि पवित्र रिश्ता पे ही जाना चाहिए अगर टीवी शो हो, क्योंकि इट्स द हाईएस्ट टीआरपीज एंड इट्स माई मॉम्स फेवरेट सीरियल। क्योंकि माई मॉम घर पे बैठ के, आई थिंक ऑल द हाउस वाइव्स एंड ग्रैनीज आर ऑलवेज टीवी के सामने, ये सारे जो सीरियल्स हैं ऑन ऑल द चैनल्स, आई थिंक दे आर बिग फैंस। तो मॉम ने कहा कि ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस सीरियल। और यहाँ आके पता चला है कि सीरियल की कहानी है कि दोनों माओं को एक ही घर में रखा है, सो दैट्स व्हाई आई नो व्हाई माय मदर लाइक्स दिस। एक्चुअली कभी देखा नहीं इंडियन टीवी सीरियल कभी, आई थिंक पहले आई थिंक आई सीन वन क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक दो शोज, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टीवी सीरियल। मे बी देखना चाहिए बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू वर्क इन अ टीवी सीरियल क्योंकि बहुत लंबी लंबी आवर्स होती है। बट आई मीन इट्स ग्रेट, आई मीन आई थिंक दिस शो इज फन एंड जस्ट सीन पे मैं आई हूँ। आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज इट मैचेस द फिल्म ऑल्सो, क्योंकि हमारी फिल्म जो रिलीज़ होगी वो गणेश चतुर्थी के वक्त रिलीज़ होने वाली है, तो आई थिंक इट्स द टाइमिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। एक्चुअली मुझे नहीं लगता है बट डेफिनेटली हमारे जो सारे टीम होते हैं दे फील दैट यू नो कि टी वी शोज़ पर जाना, रियलिटी शोज़ पर जाना, आजकल प्रमोशन ऐसे हो गया है कि एक्टर्स को हर जगह जानी पड़ती है, मगर मुझे पर्सनली इतना बिलीफ नहीं है इन सब चीज़ों में। क्योंकि अगर लोगों में अवेयरनेस है, पोस्टर्स लगते हैं, लोग वैसे भी जाएंगे फिल्म देखने, अगर नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। तो मैं इतना प्रमोशन नहीं करती हूँ, मगर थोड़ा बहुत जो करती हूँ तो लोगों को लगता है कि थोड़ा कुछ किया है। नो आई मीन आई हैव अर्चना एंड मान ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द सीरियल एंड सलमान ऑलरेडी प्रमोटेड इट ऑन जस्ट डांस, सो वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड इट शुड बी के ऑफकोर्स वी आर गोइंग दिल्ली में हम लोग साथ में जाएंगे, पर ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट शोज to cater to different different audiences is something that what we plan to do for the next 4-5 days. बहुत अच्छा है actually. अभी मुझे लोग कहते हैं कि they are already married, they are already an off-screen couple as well, so I didn't know that, so I think it's quite nice and it's great. तो सुना आपने, ऐसी थी अंकिता की पॉपुलैरिटी, थी क्या, अब भी अंकिता इतनी ही पॉपुलर है। अंकिता लोखंडे, you are killing it girl. मुनव्वर फारूकी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो आप हैं, और टॉप टू में यकीनन आप और मुनव्वर ही होंगे। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।